इसके अलावा समय समय पर जो विधायिका है, जो सदन है, किसी विशेष कार्यों की जांच के लिए समितियां बनाता है, आयोग बनाता है और आयोग की नियुक्ति का काम करता है। ये संसद के न्याय संबंधी कार्यों में के अलावा नियुक्ति, चुनाव और नियुक्ति संबंधी कार्यों में जोड़ा जा सकता है। आयोग का गठन करना, समितियों का निर्माण करना, उसके सदस्यों का चयन करना और ऐसा करते हुए इन समितियों के, आयोगों के माध्यम से जांच कराने का जो काम है वो कराया जाता है सदन के द्वारा। तो इसमें न्याय भी जुड़ा हुआ है और इसके अलावा इसमें नियुक्ति और चयन भी जुड़ा हुआ है। नियुक्ति और चयन के अलावा सदन के सातवां कार्य के श्रृंखला में हम देखते हैं जनमत का प्रतिनिधित्व, अति महत्वपूर्ण कार्य। सदन में जितने लोग बैठते हैं ये क्या हैं? जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के प्रतिनिधि के नाते अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ वहाँ उठाते हैं, सरकार तक पहुँचाते हैं, सरकार का आईना है एक तरीके से लोग। जनता का आईना होते हुए सरकार को जनता की अपेक्षाओं से वाकिफ कराते हैं। जनता के द्वारा महसूस की जा रही असफलताओं से सरकार को एक तरीके से आवाज देते हैं। तो व्यवस्थापिका का बहुत महत्वपूर्ण काम है सरकार के समक्ष उनकी असफलताओं और जनता के कष्टों को सामने रखना, जनता की दिक्कतों को सामने रखना। व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं, जो जन प्रतिनिधि होते हैं, वो जनता का प्रतिनिधित्व, जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जनमत का प्रतिनिधित्व के मायने हैं जनता की जो अनुभूतियां हैं, जनता की जो फीलिंग्स हैं, उसे वहां तक लाना, समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करके उसे जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करना। नवनीत राणा। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे लगता है शिवसेना के दो तीन खासदारों ने आज किसानों के ऊपर बात की है। पहले तो उनसे मैंने, मुझे हम महाराष्ट्र की जनता उन्हें प्रश्न विचार रही है कि सदन में आने के बाद आप किसानों के लिए बात करते हैं, पर जिन युति में वो सरकार को मेजॉरिटी दी है वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने पोस्ट के लिए वो करके, माने सदस्य आप अपना विषय रखें, किसानों के लिए आप अपना, अगर किसानों के लालच नहीं है किसानों के लिए, माने सदस्य आप दादा तुम्हें अपना विषय बोला, अपन अपने विषय मांडू। मुझे लगता है कि पद अगर किसानों के लिए इतना प्यार, इतनी सहानुभूति है, तो वहां पर सरकार फॉर्म करनी थी और किसानों में जो आज गीला महाअकाल हमारे महाराष्ट्र राज्य में हुआ है, जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो इसके पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ होगा राष्ट्रपति शासन लागू करने में, तो ये शिवसेना वालों के लिए है। खुद का स्वार्थ, खुद का घर अगर ना ध्यान में रखते, तो मुझे लगता है किसानों के लिए अगर मदद करने की भावनाएं मेरे दिल में है, तो मैं खुद का घर भी जला सकती हूँ और किसानों के हित में वो सरकार को मेजोरिटी के सपोर्ट भी कर सकती हूँ। आज नहीं, नहीं, आज आप मेरी आवाज नहीं दबा सकते। मुझे किसानों के बारे में बात करना है, मुझे आपको टाइम देना ही पड़ेगा। आप किसान की बात करें, आज तालुके में घूम घूम के, पूरे जिले के हर एक तालुके में घूम घूम के जब देखा है सोयाबीन, कपास, मूंग, धान्य, हर
चीज का मेजर नुकसान वहां पर हुआ है और आज हमारे राज्य को कोई माए बाप नहीं है। तो इसलिए मैं केंद्र को बोलूंगी कि हमारे राज्य के माए बाप सिर्फ केंद्र है। तो केंद्र की सरकार ने हमारे किसानों के लिए 50,000 करोड़ की आपने मदद करना चाहिए, जिससे हमारे किसान के घर चल सके, उनके दुख में कहीं नहीं चिराग जलाने की एक राह अगर देनी है तो वो केंद्र से। ये इन प्रतिनिधियों का काम है, सरकार पर एक तरीके से लगाम रखने का काम है, सरकार को एक तरीके से दिशा देने का काम करते हैं, सरकार को जनता के तक पहुंचाने का काम करते हैं और जनता और सरकार के बीच में एक लिंक का काम करते हैं, एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं, उन्हें जनहित कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका में ये वाला जो कार्य है, जनमत को पहुंचाने का कार्य, ये सामान्यतः विरोधी दल के सदस्य ज़्यादा करते हैं और उस हद तक सदन में विरोधी दल का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विरोधी दल ही असंतुष्ट जनता की आवाज़ को पहुंचाता है, विरोधी दल ही जनमत को सच्चाई में वास्तव में वहां पहुंचाता है। सत्तारूढ़ दल के लोग तो केवल सफलताओं के गुणगान गाते हैं, पीठ थपथपाते हैं सरकार की, ये तो विरोधी दल है जो जनता का वास्तविक रूप, वास्तविक उनकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, उनके विरोध को सरकार तक पहुंचाता है और इस हद तक सदन में विरोधी दल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जनमत के प्रतिनिधित्व के बाद आठवां जो कार्य संसद का है वह है संचालक मंडल के रूप में। संचालक मंडल क्या होता? संचालक मंडल अर्थात सरकारी निगम। बहुत सारे सरकारी निगम बने हैं। ये जो निगम होते हैं ये सरकार के नियंत्रण में कार्य करते हैं। इनका संगठन, इनका वित्तीय प्रबंधन, इनकी गतिविधियां और इनके कार्यों पर विचार करना, इसको एक आकार देना, इनकी ज़रूरतों को पूरा करना और इन पर नियंत्रण रखना, ये सदन का काम है। और इस प्रकार व्यवस्थापिका जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में भी एक संचालक मंडल के रूप में काम करती है। औद्योगिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में तो है ही, मुद्रा संबंधी मामलों में आर्थिक क्षेत्र के अलावा औद्योगिक क्षेत्र में भी व्यवस्थापिका की अच्छी दखल रहती है सरकारी निगमों के माध्यम से। नौवां कार्य इसका है राज्य नीति का निर्धारण। राज्य नीति के निर्धारण के क्या अर्थ हैं? सरकार का तो काम है नीतियां बनाना, बल्कि कहना चाहिए व्यवस्थापिका काम है नीतियां बनाना और कार्यपालिका का काम है उन नीतियों को लागू करना। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच की जो कड़ी है अर्थात मंत्री परिषद, जिनका अस्तित्व व्यवस्थापिका से है और जिनका कार्य कार्यपालिका के तहत है, ये जो कड़ी है ये कानून बनाती ही नहीं बल्कि राज्य के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों पर नीतियों का निर्धारण करती है। राज्य को दिशा देना, इसका काम व्यवस्थापिका का है और राज्य से तात्पर्य है देश, सरकार इनको दिशा देती है सरकार को। यद्यपि नीति निर्धारण का काम कार्यपालिका का है जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद आती है, परंतु राज्य को दिशा देने का काम व्यवस्थापिका करती है। राज्य को, सरकार को दिशा देने का काम व्यवस्थापिका ही करती है। निर्धारित नीतियों पर गंभीरता पूर्वक विचार करना और उनको अंतिम रूप देने का काम सदन का है।
व्यवस्थापिका जो है वो ठोस कार्यक्रम रखती है सदन के सामने, उसके लिए पूरा ड्राफ्ट तैयार करती है, प्रस्ताव को अच्छी तरह से गहन अध्ययन के बाद पूरी तैयारी के साथ सदन के पटल पर रखती है, उसके बाद सदन उस पर विचार विमर्श करता है, गहन वाद विवाद होता है और अंतिम निष्कर्ष आने के बाद, विवाद के बाद, बहस के बाद जो निष्कर्ष आता है उसे एक अंतिम रूप प्रदान किया जाता है और फिर सदन उसको पारित करता है। ये पारित करना ही स्वीकृति है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है सरकार की नीतियों आदि पर पैनी नज़र रखना। युद्ध और शांति के निर्णय में भी पूरी व्यवस्थापिका की स्वीकृति से ही कार्य किया जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 9 विभिन्न एस्पेक्ट्स में हम देखते हैं सदन के कार्य। और संक्षिप्त में हमने इसको सबको समझ के जाना कि सदन कितना महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका हम पढ़ चुके हैं, अब यदि हम दोनों की तुलना करें कार्यपालिका बनाम व्यवस्थापिका, तो हम पाएंगे कि व्यवस्थापिका निश्चित रूप से कार्यपालिका के ऊपर एक सुपरवाइजरी रोल का काम भी करती है, उन पर नियंत्रण रखती है। इसके कार्य जानने के बाद सदन के, अब हम आते हैं अगली बिंदु पर, विधायिका का महत्व, विधायिका का महत्व या संसद का महत्व। एक डिबेट चल रहा है, विवाद विवाद हो रहा है कि क्या संसद का महत्व घट गया है, क्या संसद की ताकत में ह्रास हुआ है, गिरावट आई है। इसको लेकर कुछ विचार यहाँ पे समझना जानना आवश्यक है। सैद्धांतिक रूप से तो हम यहाँ पे अब पढ़ रहे हैं संसद में गिरावट और प्रश्न चिन्ह, संसद के महत्व में गिरावट प्रश्न चिन्ह। सैद्धांतिक रूप से विधानमंडल जो कानून बनाता है उसका स्थान तो सर्वोच्च है, लेकिन प्रैक्टिस में, व्यवहार में ऐसा देख रहे हैं कि धीरे धीरे विधानमंडल की ताकत में, विधानमंडल के प्रभाव में, शक्ति में थोड़ी सी गिरावट आई है, जिसके कुछ कारण हैं। आखिर सैद्धांतिक रूप से, संवैधानिक रूप से सर्वोच्च दर्जा पाने के बाद भी व्यावहारिक रूप में प्रभाव में कमी क्यों, क्या ऐसी अनुभूति क्यों, उसके कुछ कारण हैं। दूसरे शब्दों में सांसदों ने अपनी महत्ता कुछ खोई है क्या, सांसदों की उपादेयता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है क्या, सांसद क्या कम महत्वपूर्ण हो गए हैं, ये कुछ सवाल बारंबार आते हैं और उसके कारण भी हैं। क्या कारण है? पहला, अधिकांश विधेयक जो हैं वो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं, सांसदों द्वारा नहीं। यद्यपि मंत्री स्वयं सांसद है, पहले सांसद होने के नाते वो मंत्रिपरिषद में है, लेकिन सांसदों द्वारा विधेयक कम पेश किया जाना और मंत्रियों द्वारा ज़्यादा पेश किया जाने से पिक्चर ये आ रहा है कि सरकार इज ऑल पावरफुल, जो सरकार चाहती वही संसद कर रहा है और संसद स्वयं में किसी मामले में इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। इसलिए यह अनुभूति आ रही है कि शायद संसद के महत्व में ह्रास आया है। अधिकांश विधेयकों का जो पेश होना वो किनके द्वारा? मंत्रियों के द्वारा। दूसरा जो कारण है वह है, संसद जो है वो कानून की मात्र रूपरेखा तैयार कर रहा है, बस उसके आगे नहीं, बाकी सब कार्यपालिका कर देता है।
तो केवल कानून की रूपरेखा को तैयार करने के लिए इन सांसदों का जो संबंध है उसमें ऐसा लगता है कि ये कम महत्वपूर्ण है। असली ताकत तो कार्यपालिका के हाथ में, जो कानून को विस्तृत रूप देती है। और तीसरा कारण है कि मंत्रिमंडल में कौन होता है। जब भी आप गठबंधन सरकारों के मंत्रिमंडल को देखें और या चुनाव के दौरान, जो मैंने चुनाव संबंधी अध्याय आपको पढ़ाया, उसमें आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल में अधिकतर दल के नेता लोग होते हैं, कद्दावर लोग होते हैं। दलों के या दल के वे लोग मंत्रिमंडल में रहते हैं जिनके पास बाहुबल हो, धन बल हो, प्रभाव हो। और इसका परिणाम क्या होता है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के विरोध में कोई आवाज़ नहीं उठाता, चाहे वो सदन में सत्तारूढ़ दल के सदस्य हों या विरोधी दल के भी हों, तो भी उनकी आवाज़ उतनी बुलंद नहीं रहती मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विरोध में जितनी अपेक्षित थी। और उसका कारण है मंत्रिमंडल के सदस्यों का इतना भारी होना, शक्ति के मामले में, कि दूसरे लोग डरते हैं और इसलिए संसद में वे लोग जो भी प्रस्ताव रखते हैं वो स्वीकृत हो जाता है। उसमें जिस तरह की बहस की अपेक्षा रहती है वो नहीं हो पाती, जिस तरह का उसमें गहमा गहमी होना चाहिए कुछ मुद्दों पर वैसी नहीं हो पाती। इसलिए भी ऐसी अनुभूति जा रही है लोगों में कि शायद विधायिका का महत्व दिनों दिन घटता जा रहा है और कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका ज़्यादा हावी हो रही है। कुछ अन्य कारण जो ये महसूस कराते हैं कि सदन की महत्ता कम हो रही है, विधायिका कम उपयोगी है, कम उपयोगी होता जा रहा है दिनों दिन, उन कारणों में अगला कारण है प्रशासनिक कार्यों की जटिलता। प्रशासन की जब बात आती है तो भारत जैसे विशाल देश में, जो जनसंख्या की दृष्टि से भी विशाल है और क्षेत्र की दृष्टि से तो है ही, विविधता की दृष्टि से भी बहुत विशाल है, इन सब में विशालता के कारण जो प्रशासन की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसे संसद के प्रतिनिधियों के द्वारा अच्छी तरह समझने की अपेक्षा करना न्यायोचित ही नहीं बल्कि गलत होगा। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये जो सांसद जो मात्र 5 वर्षों के लिए चुन के आते हैं, इससे पहले वे इन पेचीदगियों को समझें उनका काल 5 वर्ष का पूरा हो जाता है। परिणाम स्वरूप ये लोग संसदीय प्रक्रिया में उतने पारंगत नहीं होते और उस तरीके से भाग नहीं ले पाते जिससे महसूस हो कि ये सांसद अपने कार्यक्षेत्र से, अपने दायरे से अच्छी तरह वाकिफ हों, और इस पे प्रशासन हावी होने लगता है, कार्यपालिका हावी होने लगती है, राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें ऐसे ऐसे मंत्री होते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अनेक वर्षों का संसदीय अनुभव होता है, ये लोग इसमें रहते हैं। तो परिणाम क्या होता है कि प्रशासनिक कार्यों की जटिलता से अनभिज्ञ होने के कारण संसद के सदस्य अपनी भूमिका वैसे नहीं निभा पा रहे हैं जैसे कि इनकी अपेक्षा थी, और परिणाम क्या हो रहा है, इनके महत्व में गिरावट है। छठवां, कार्यों की अधिकता। दिनों दिन कार्यों का दायरा बढ़ रहा है और कार्य भी बढ़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि संसद के सदस्य अपना पूरा काम, पूरा ध्यान उन मुद्दों पर नहीं दे पा रहे हैं जो संसद के अंदर उठाए जाते हैं। इनका कार्य क्षेत्र बढ़ा है, इनके कार्य भी बढ़े हैं और जिम्मेदारियां भी उस हद तक काफ़ी बढ़ गई हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में और देश की राजनीतिक व्यवस्था में।
इन सांसदों की बढ़ती भूमिका ने इन्हें बहुत व्यस्त कर दिया है, और इसलिए भी ये लोग अपने संसदीय कार्य में, मूल कार्यों में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जितना कि इनसे अपेक्षा थी, इसलिए भी इनका महत्व कम लगाया जाता है। तो कार्यों की अधिकता ने इन्हें कम महत्वपूर्ण संभवतः बना दिया है। अगला बिंदु है आर्थिक जीवन में राज्य का बढ़ता हस्तक्षेप। सरकार का अर्थ राजनैतिक कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका के पास वैसे तो पूरी जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक नियंत्रण है, वह संसद के हाथ में, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि देश का सारा आय व्यय और राजकोष पर नियंत्रण व्यवस्थापिका का है। पर व्यवस्थापिका किन लोगों के माध्यम से नियंत्रित करती है? राजनैतिक कार्यपालिका के माध्यम से, अर्थात मंत्रिपरिषद के माध्यम से। और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्यपालिका में रहते हुए ये मंत्री जिस तरीके से सरकारी खजाने पर नियंत्रण रखते हैं, उससे ऐसा महसूस होता है कि संसद का नियंत्रण इस पे कम है और राजनीतिक कार्यपालिका का हस्तक्षेप इसमें ज़्यादा है। बढ़ते हुए प्रभाव को, मंत्रिपरिषद के बढ़ते हुए प्रभाव ने एक तरीके से संसद के महत्व को कम कर दिया है। इसलिए कहा जाता है कि आर्थिक जीवन में राज्य का बढ़ता हुआ हस्तक्षेप संसद की घटती महत्ता का एक कारण है। अगला कारण है जनता में राजनीतिक जागृति। इसके क्या मायने हैं और वह कैसे संसद की घटती महत्ता का जिम्मेदार है, घटते महत्व का के लिए जिम्मेदार है? जब जनता राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं थी या राजनीतिक रूप से पिछड़ी है, तो संसद के अंदर कार्य करने वाले चैतन्य हैं, जागरूक हैं, और दोनों के स्तर में बहुत अंतर है। देखा गया था चुने हुए प्रतिनिधियों और जनता के बीच में राजनीतिक जागरूकता के मामले में बहुत अंतर था। समय के साथ साथ ये जागरूकता बढ़ती गई, जिसके लिए सरकारी प्रयास भी किए गए, क्योंकि अच्छे लोकतंत्र के लिए राजनीतिक जागरूकता जनता के मन में बहुत आवश्यक है। परिणाम क्या हुआ कि जनता काफ़ी कुछ जाग चुकी है राजनीतिक दृष्टि से, और इसलिए इसका असर संसद पर पड़ा है। जब जनता सोई थी तब संसद सर्वशक्तिमान था, अब जब जनता जाग चुकी है तो जिसको कहते हैं जनता की आवाज़ के अनुसार संसद को अब काम करना पड़ रहा है। अब जनता बर्दाश्त नहीं करती कि संसद कुछ ऐसा कार्य करे जो जनता की अपेक्षाओं के खिलाफ हो, जैसा कि पूर्व में संभव था और होता आया था। तो इसलिए जनता के बढ़ते महत्व को, उसकी जागरूकता के कारण उसने भी संसद के महत्व को कम कर दिया है, और इसके अनेक उदाहरण हैं। तो जनता में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना आंदोलनों के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सेमिनार वर्कशॉप्स आदि के माध्यम से जनता अब सांसदों पर भारी दबाव बनाती है, और ये सांसद अब सतत रूप से उस दबाव में कार्य करने के लिए विवश हो गए हैं, इसलिए भी इनकी महत्ता कम हुई है। अगला कारण है विधि निर्माण की तकनीकी समस्या। जैसा मैंने बताया, सांसदों का सबसे महत्वपूर्ण काम है विधि निर्माण, लेकिन सांसद अधिकतर 5 वर्ष के काल के लिए आते हैं, और
नए युवा सांसद रहते हैं तो उन्हें विधि प्रक्रिया की जानकारी नहीं रहती। बहुत से लोग इसमें अशिक्षित भी हैं या कम शिक्षा है, कम एक्सपोजर है। परिणाम क्या होता है कि आज के संदर्भ में जब विधि निर्माण एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल के रूप में सामने आया है, विधि निर्माण एक बहुत स्पेशलाइज्ड एरिया हो गया है, एक बहुत तकनीकी क्षेत्र हो गया है, तो ये सांसद अपने को विधि निर्माण की प्रक्रिया से कोसों दूर पाते हैं, जबकि इनका मूल काम विधि निर्माण है। इस कारण भी इनका महत्व घटा है, क्योंकि विधि निर्माण की प्रक्रिया के लिए अब सांसदों से ज्यादा विधि से जुड़े हुए जो कैरियर पीपल हैं उनका ज़्यादा ताल्लुकात, उनसे ज़्यादा संबंध, उनसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है। तो उस हद तक संसद के विधि निर्माण का कार्य केवल इतना हो गया है कि वह उस रूपरेखा को जो उनको सामने रखी गई है उसे स्वीकार करे या थोड़ा बहुत उस पर बहस कर ले। उससे आगे इन सांसदों से विधि निर्माण के कार्य के बारे में ज़्यादा समझना इनके समझ से बाहर है। जब संविधान सभा बनी थी और इसके बाद जब प्रारंभिक लोकसभाओं पर आप नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उस काल में बहुत सारे प्रतिनिधि जो चुने गए वे उनका गहरा संबंध लॉ से था, कानून से था, उन्होंने काफ़ी गहरा कानून का अध्ययन किया था, कानूनी पढ़ाइयाँ की थी, और इसीलिए ऐसा संविधान वो दे गए जो विश्व में एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में जाना जाता है। लेकिन आने वाले समय में, बाद के काल में ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से सांसद ऐसे चुने जा रहे हैं जो जनता का बहुमत तो हासिल किया, फर्स्ट पास द पोस्ट के फॉर्मूले के तहत सबसे ज़्यादा मत तो पाए, पर विधि निर्माण की प्रक्रिया और उसकी समझ के मामले में ये कोसों दूर हैं। और इसलिए भी जब संसद अपने मूल कार्य में सफल नहीं है तो उसका महत्व तो घटेगा ही। इसलिए विधि निर्माण की तकनीकी समस्या एक कारण है संसद की महत्ता को कम करने का। और अंतिम कारण की यदि बात करें तो कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि। मैंने जैसा आपको बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में, इंदिरा गांधी के काल में और उसके बाद भी ऐसे कई अवसर आए जब देखा गया कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व और मंत्रिमंडल के सदस्यों का व्यक्तित्व कार्यपालिका के महत्व को घटाने बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार के जो तीन अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में हमेशा तकरार चलती रहती है कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण। संवैधानिक रूप से तो निश्चित रूप से कार्य व्यवस्थापिका महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे बहुत से अनुभव आए हैं जब कार्यपालिका ने विधायिका को पीछे रखते हुए ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका की बढ़ती हुई शक्ति एक बहुत बड़ा बिंदु है जो संसद की महत्ता को कम कर रहा है।